सेंट मार्केट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस का प्रदर्शन किया और स्कूल का नाम रोशन किया। आपके ओवरऑल कितने परसेंटेज नंबर आए? 96। मेन कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपको नंबर आए? मैथ्स में 99। क्या परसेंटेज आए? 96.25। कोई सब्जेक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा नंबर आए? इकोनॉमिक्स में 97 और अकाउंट्स में 96.6%। बिजनेस स्टडीज में 99 एंड इंग्लिश 97। आपके ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आए? 95.5%। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा नंबर आया? दो कंसेक्यूटिव सब्जेक्ट्स में 99 आया, दोज आर मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ओवरऑल कितने परसेंट नंबर? 96%। हिस्ट्री में 100 है और कंप्यूटर्स में 99। कितने परसेंट नंबर आए? 81% आए। तो सबसे ज्यादा परसेंट किस में आए? मैथ्स में आए हैं सबसे ज्यादा 94 मार्क्स। 95% है। 95। अच्छा, सबसे ज़्यादा आप नंबर किस में आए हैं? मेरे सभी में 95 है, एग्रीगेटिव 94 और बेस्ट फोर में 95.5। सबसे ज़्यादा नंबर किस में आया? मैथ्स में, साइंस में, किस में आया? बिजनेस स्टडीज में। कितने हैं? 97। मेरे 90% आया ओवरऑल, वैसे बेस्ट फोर 92%। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में ज़्यादा? मेरे अकाउंट्स में 94 और बीएससी में 94 आए हैं। 89% नंबर आया मेरे और सबसे ज़्यादा नंबर आया अकाउंट्स में, अकाउंट्स में 80 आए हैं और इंग्लिश में 95 आए हैं, ज्योग्राफी में 93 आए हैं। 82% आए। कौन सा सब्जेक्ट है सबसे ज्यादा नंबर? मेरे इंग्लिश में आया 95। हां बेटा, ओवरऑल परसेंटेज कितनी आई है? 81 आई है। 81 आई। सबसे ज्यादा परसेंटेज किस? सबसे ज्यादा इंग्लिश में आई है 92 और फिर बीएससी में 90। बच्चों के माता पिता ने भी स्कूल मैनेजमेंट और टीचर की मेहनत को सराहा और स्कूल द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर योगदान देने की बात कही। टीचर को तो श्रेय है ही है और बच्चों की भी मेहनत है, दोनों की है। तो आपको भी लगा कि आपको बच्चों को फोर्स करना पड़ा पढ़ाई के लिए? देखो, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, बाकी ये है कि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो खुद भी पढ़ते हैं, उनको खुद को अब तो इतनी अवेयरनेस बच्चों को भी है कि हमारा कैरियर इसी 12th से ही बनेगा। तो आप खुश हैं कि भाई सेंट मार्केट स्कूल से आपके बच्चों को अच्छे परसेंटेज आई, आगे उनका भविष्य जो सेफ है और अच्छे कॉलेज में जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल जी, स्कूल तो बहुत अच्छा है, शुरू से ही हमारे बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं नर्सरी से। टीचर बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी बहुत अच्छा है और बच्चे ने भी एफर्ट तो अपनी की है पूरी, लेकिन टीचर्स ने बहुत किया है एफर्ट। जब हमने स्कूल के बच्चों से पूछा कि वे अपनी जीत का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे तो सभी ने अपने टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट और माता पिता का आभार व्यक्त किया। अपनी मेहनत, टीचर्स की मेहनत और पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा श्रेय ऑब्वियसली मैं टीचर्स को देना चाहूँगी, स्पेशली प्रिंसिपल मैम को, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमें गाइड किया, मोटिवेट किया। पेरेंट्स ऑब्वियसली हमेशा हमारी बैकबोन रहे हैं एंड यस, खुद की मेहनत तो होती है। टीचर्स को सबसे पहला बिकॉज उनका सपोर्ट सबसे ज़्यादा था एंड मेरे पेरेंट्स, उन्होंने जिस तरह मुझे मेरे पेपर्स में साथ दिया है सब कुछ, और मेरी खुद की मेहनत भी थी। आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? सबसे पहले टीचर्स, माई पेरेंट्स एंड फाइनली मी, बिकॉज मेरे एफर्ट्स भी थे बट टीचर्स के सबसे ज़्यादा एफर्ट्स थे, उन्होंने रेगुलरिटी मेंटेन करके रखी और हमें पुश करते रहे कि करते रहो, मेहनत करते रहो। माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड ऑफकोर्स मी एंड आर प्रिंसिपल मैम, मतलब आर स्कूल एनवायरनमेंट वॉज वेरी लाइट। मैथ्स में हमारे हरीश सर हैं, वो हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, मैं उनकी अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ इसमें, और वो हमेशा हमारा साथ देते थे। केमिस्ट्री का सोलली मेरे केमिस्ट्री टीचर राकेश सर को है, उन्होंने बहुत हाथ रखा हमारे सर पे। केमिस्ट्री में राकेश सर को जो हमारे केमिस्ट्री टीचर थे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, और कंप्यूटर्स की मैम और बाकी सारे टीचर्स ने काफ़ी मेहनत की, और पेरेंट्स को से देना चाहेंगे, उन्होंने सपोर्ट किया। मैथ्स के सर को भी, हरीश सर जो है हमारे सर, और हमारे मेरे पेरेंट्स को भी सपोर्ट करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं घर का जो हम पढ़ सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें। टीचर्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है, साथ में पेरेंट्स ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। आपने मेहनत की है? हाँ जी मेहनत की है, लेकिन ज़्यादा टीचर्स की डांट से हमें और वो मिला के हमें पढ़ना चाहिए, तभी हमारा फ्यूचर अच्छा सिक्योर होगा। मैं सबको श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि सबने मेरी हेल्प करी है। अंजना मैम है हमारे स्कूल की, उन्होंने हमारे बहुत मतलब बहुत हमारे पे हाथ था उनका, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। मेरे ट्यूटर्स जो हैं, होम ट्यूशन लगाई थी उनके भी बहुत अच्छा पढ़ाया, एंड राकेश सर अच्छे सर हैं जिन्होंने हमें बहुत गाइड करा। सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी इंग्लिश की टीचर को देना चाहूँगा, अंजना मैम को, और मेरी ट्यूशन टीचर को, मिस सिमरदीप कौर मैम, उनकी मेहनत से जो भी हैं सारे नंबर आए हैं। सेंट मार्केट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स भी बच्चों के रिजल्ट से काफ़ी प्रभावित नजर आए और बच्चों की मेहनत को भी सराहा। मुझे खुशी है कि इस बार रिजल्ट पिछले बार की बजाय बहुत बेटर आया। लाइक लास्ट ईयर 93 हाईएस्ट थे बायो में, मेरा सब्जेक्ट बायो है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दी स्टूडेंट्स। इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है, एक स्टूडेंट मेरा रचित दमीजा,
उसके 100 मार्क्स हैं, फुल मार्क्स हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। डेफिनेटली इस बार का रिजल्ट बहुत बेटर है पिछले साल से, बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। मेरे अपने सब्जेक्ट में मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, दो बच्चों के 99 मार्क्स आए हैं, लास्ट ईयर 98 थे, 97 भी आए हुए हैं, इस बार दो बच्चों के 99 हैं, 98 भी आए हैं बच्चों के मार्क्स, तो डेफिनेटली बेटर है। परसेंटेज एक्स्ट्रा आई है, से लास्ट टाइम हाईएस्ट 95 था, इस बार 98 है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हमारे एफर्ट्स भी थे, बच्चों के एफर्ट्स भी थे, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत अच्छा किया और रिजल्ट अच्छा है, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में बेटर ही है। स्कूल मैनेजमेंट भी स्कूल के बढ़ते कद से उत्साहित हुए और साथ ही चेयरमैन बीआर गोस्वामी, प्रिंसिपल रेणु जैन, मैनेजर मिस्टर नवीन गोस्वामी ने स्टूडेंट्स द्वारा हासिल की गई सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने स्कूल को आप किस स्टेज पे देखते, किस लेवल पे देखते हो आज के? हम अपने स्कूल को वन ऑफ द टॉप स्कूल्स इन दिल्ली उनमें देखना चाहते हैं, एंड उसी हिसाब से वी आर कमिंग अप और होपफुली उसी लेवल पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी आपके स्कूल में लड़कियों ने टॉप किया, हमने बच्चों से पूछा कि भाई किसको श्रेय देना चाहेंगे, कई बच्चों ने टीचर्स का नाम ना लेके प्रिंसिपल का नाम लिया, ऐसी बात बच्चों ने क्यों बोली? कल मेरे हिसाब से तो बच्चे और पेरेंट्स और टीचर्स तीनों का होता है। प्रिंसिपल तो दूर से देख रही होती है, दूर से इंस्ट्रक्शन दे सकती है, उसको फॉलो करने वाले टीचर्स होते हैं और बच्चे। यहाँ वैल्यूज़ जो बच्चों को दी जाती है, टीचर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें और पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वैल्यूज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चे के लिए। और खाली एकेडमिक्स में अच्छा होना और बिहेवियर ख़राब हो तो मैं उसको एक्चुअल एजुकेशन नहीं मानती हूँ। वैल्यूज़ यदि बच्चे के पास हो, जो कि सेंट मार्गरेट में मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी स्कूल्स में है, पर यहाँ पर जो बच्चों को वैल्यूज़ दी जाती हैं और बच्चे बड़े अच्छे से रहते हैं यहाँ पर, टीचर्स का कहना मानते हैं, क्योंकि आजकल टीचर्स का कहना बहुत कम लोग मानते हैं, पर यहाँ पर बच्चे टीचर्स का कहना मानते हैं, टीचर्स को फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो पक्का है आगे ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हट सकते। देखिए, जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो तो तीनों का ही कॉम्बिनेशन है, बच्चों का भी मेन कंट्रीब्यूशन है, टीचर्स की गाइडेंस है और पेरेंट्स की भी गाइडेंस है और उनका प्रोत्साहन है। बाकी लड़कियों का रिज़ल्ट क्यों अच्छा है, क्योंकि बेसिकली लड़कियां जो हैं वो पढ़ाई में ज़्यादा सिंसियर होती हैं, चाहे आप ऑल इंडिया लेवल पे देखिए, चाहे हमारे स्कूल में देखिए, सब जगह पे बेटर। हम लोग प्राइमरीली उनकी फाउंडेशन पे बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चे की अच्छी फाउंडेशन बने, उसको अच्छे संस्कार मिले, घर से तो मिलते ही हैं, स्कूल भी कोशिश करता है कि बच्चों को अच्छी बातें सिखाई जाए और उनको अच्छे संस्कार दिए जाएँ। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एज अ स्कूल या हमारे टीचर हों या बच्चे हों, हम लोग ये सिखाते हैं कि हमारा कॉम्पिटिशन बाज़ार में किसी से नहीं है, हमारा कंपटीशन अपने साथ है। तो हमने जो लास्ट ईयर रिज़ल्ट दिया उससे बेटर रिज़ल्ट देना है, बच्चों ने जो लास्ट ईयर किया उससे अच्छा करना है, उन्होंने हर साल, हर महीने, हर रोज़ अच्छा ही करना है, आगे इम्प्रूवमेंट करनी है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा हम सिखाते हैं। स्कूल के रिज़ल्ट से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है और हमारा रिज़ल्ट पिछले 20 साल से ही अच्छा आता जा रहा है और इम्प्रूवमेंट होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता हुआ एक नाम है सेंट मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशांत विहार रोहिणी, जो बच्चों के अंदर छुपी प्रतिभा को स्कूल द्वारा समय समय पर आयोजित सांस्कृतिक इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा उभारता और दर्शाता रहता है। सेंट मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ बच्चों की फाउंडेशन और मॉरल वैल्यू पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे बच्चे समाज का एक बेहतर हिस्सा बन सकें।